बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो है, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मैंने जब से ये सनब्लॉक परचेज़ किया था तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसका रिव्यू जो है वो शेयर करें। तो हेयर इज़ माई रिव्यू। अब आप लोगों का काम है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स दें। जो गर्मियाँ आ गई हैं और आप लोगों को सबको तलाश होगी एक ऐसे सनब्लॉक की जो ज़्यादा ग्रीजी और हैवी ना हो आपकी स्किन पर, उसके अलावा आपकी पॉकेट पर भी ज़्यादा हैवी ना हो, बजट फ्रेंडली हो। तो अच्छा जी, इस सनब्लॉक के रिव्यू की तरफ चलते हैं। इसकी इस तरह से कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स लिखे हुए, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन डैमेज, नॉन ग्रीजी और नो वाइट रेजिड्यू। मुझे जो उस तरह के सनब्लॉक होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रीजी सी टेक्सचर होता है, एक तो वो नहीं पसंद, और दूसरा जो वाइट कास्ट दे देते हैं ना स्किन को, वो भी बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि एशियन स्किन टोन पर अगर आप वाइट कास्ट वाला एक सनब्लॉक लगा लेंगे तो थोड़ी सी बहुत ही अजीब सी फीलिंग जो है वो आ जाती है, अजीब सी वाइट कास्ट जो है ना स्किन पर, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसके ऊपर इसके की बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि UVA और UVB दोनों किस्म की रेस से जाता है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है और ये पैराबिन फ्री है। सबसे अच्छी बात इसकी ये कि पैराबिन फ्री है, और इस पर इसके ऊपर इसकी एप्लीकेशन का मेथड भी लिखा हुआ है कि आपने इसकी थिक लेयर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है और इसको फिर मसाज कर लेना है। अच्छा, एक अच्छी बात यह कि लोशन बेस्ड है, जिस तरह से लोशन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, आप उसको जब अपनी स्किन में अच्छे से अप्लाई करते हैं, रब करते हैं, मसाज करते हैं, तो जैसे आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है उसी तरह से ये स्किन के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके ऊपर इसके क्लियरली सारे इंग्रीडियंट्स वगैरह भी मैंशन है, और अच्छी बात यह कि इसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट भी मैंशन है। 2022 में मैंने इसको परचेज किया है, तो 2025 तक इसकी एक्सपायरी है, विच इज़ वेरी ग्रेट कि आप इसको जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक मिथ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ब्रेक करती चलूँ, वो ये है कि हमें सिर्फ समर्स में ही जो है वो सनब्लॉक की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है। विंटर्स में भी हमें इक्वली सनब्लॉक से की ज़रूरत होती है, सन से प्रोटेक्शन हमें रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा अगर आप घर में भी रह रहे हैं, मतलब हाउसवाइफ भी हैं, तो आप तब भी अपना सनब्लॉक अप्लाई करें जब आप चूल्हे के सामने जा रही हैं, इवन खिड़की में भी जा रही हैं, तो आपको सनब्लॉक ज़रूर चाहिए होगा ताकि वो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्शन दे। अच्छा, इसके अलावा ये UVA और UVB दोनों किस्म की रेज से प्रोटेक्शन देता है। 75 ml ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा और बड़ा सा इसका बॉक्स है, उसमें से छोटी सी ये ट्यूब निकली है, लेकिन खैर प्रोडक्ट की जो क्वान्टिटी है वो उस पर क्लियरली मैंशन थी। अच्छा, इस ट्यूब के ऊपर भी अगर आपसे डब्बा वगैरह खो जाता है, ऑब्वियसली कौन डब्बे संभाल के रखता है, तो ट्यूब के ऊपर भी इसकी एक्सपायरी डेट, इसकी एप्लीकेशन का मेथड और सब कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्लियरली मेंशन है। तो इसमें है जी SPF 40 जो है वो बड़ी एप्रोप्रिएट अमाउंट होती है SPF की। अगर इससे ज़्यादा SPF लिया जाए तो स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, जिस तरह मेरी जो है वो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे जो है ना वो इरीटेशन होती है ज़्यादा SPF वाले प्रोडक्ट से भी। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो SPF 40+ अगर लगाएंगे तो उनकी स्किन पर उससे इरीटेशन या एक्नी वगैरह या पिंपल्स वगैरह निकलने का या बम्प्स निकलने का भी जो है वो खतरा होता है। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट है SPF की, बिल्कुल भी इस तरह इससे इरीटेशन वगैरह नहीं होती। आप देखें इसका टेक्सचर इस तरह से है, लोशन बेस्ड है तो लोशन की तरह का इसका टेक्सचर है वाइट कलर का, लेकिन जब आप इसको स्किन के अंदर मसाज करेंगे तो ये कम्प्लीटली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, सन ब्लॉक की जब हम लेते हैं तो एक और चीज़ होती है कि वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं है। तो ये चूंकि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो इस वजह से ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, और इसका लाइट टेक्सचर होने की वजह से ये ना सिर्फ स्किन को UVA UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है, बल्कि अपनी आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, और साथ साथ आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी अच्छे से जो है वो ज़रा सा रब करने से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया और कोई चिट्टा सा जो है वो टेक्स्चर नहीं स्किन पर इसने छोड़ा। तो इसका फार्मूला है जिसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नाम से भी एक केमिकल है, और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि स्किन को बड़ी अच्छी जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट UVA एंड UVB रेज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जैसा कि इस पे लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेरी स्किन एज आई मेंशन्ड अर्लियर के ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, तो मेरी स्किन पे ये अच्छे से सूट किया, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए, मैंने मेरी मदर की स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैंने अपनी मदर को भी ये ट्राई करवाया, तो उनके लिए भी इक्वली वर्क किया है, उनकी स्किन पर कोई ग्रीजी फीलिंग नहीं आई इसको अप्लाई करने के बाद, ऑयल्स जो है वो ज़्यादा ऑयली नहीं हो गई स्किन इसको लगाने के बाद, मतलब बड़ी अच्छी जो है ना इसकी इसका वो रहा है ऑयली स्किन के ऊपर भी ना, बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद, यही वजह है कि मेरा जो रिव्यू है वो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं चीज़ का रिव्यू तभी देती हूँ जब मैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो अम्मी को भी मैंने ट्राई करवाया है यही सेम सन ब्लॉक, उनकी स्किन ऑयली है, उनके लिए भी इक्वली अच्छा वर्क किया है, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है ये, बिल्कुल भी जो है वो चिपचिपी ग्रीजी फीलिंग नहीं दी इसने, और मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, बड़ा ही अफोर्डेबल है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं खरीदना चाहें तो। और इसका अगर लिंक हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसकी प्राइस वगैरह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी।
तो मुझे काफ़ी अच्छा सनब्लॉक लगा, प्राइस वाइज क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और क्वांटिटीज की अगेन 75 ml प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, तो आप लोग इसको जो है वो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको भी ट्राई नहीं किया तो गिव इट अ ट्राई, और अगर आप लोगों ने भी मतलब इसको ट्राई कर चुके हैं तो अपना रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा विंसे का ये सनब्लॉक। और ये था मेरा रिव्यू, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आप लोगों का के मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं, और अगर पसंद आ रही हैं तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आगे मैं मजीद इस तरह की रिव्यू वीडियोस या जिस तरह की भी वीडियोस आप चाहते हैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।